प्रॉब्लम बहुत आती हैं, आती रही, पर पीछे नहीं हटे हम। मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटे। हमने कस्टमर को अपना बनाया है और हमने नाम भी अपना घर ही रखा है। क्या हाल है मेरे टेस्ट पार्टनर, स्वागत है आपका मेरे टेस्ट पार्टनर में। दोस्तों कैसे हैं आप? तो फिर से आज आपके सामने हम आ गए हैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ टेस्ट कराने के लिए। तो क्या करने आए हैं आज हम? आज हम करने आए हैं लंच। कहाँ पर उस टाइम पर, पहले मैं ये बताता हूँ, मैं हूँ इस टाइम पर शाहदरा यूनिटी वन मॉल के बिल्कुल सामने, जो कि ओल्ड मेट्रो मॉल हुआ करता था, फेमस है उस टाइम से। इस टाइम पर यूनिटी वन CBD शाहदरा, इसके सामने है, बिल्कुल सामने हूँ बिल्कुल मैं। और हम लंच करने आए हैं। और कहाँ पर लंच करने आए हैं? हम आए हैं लंच करने एक अंकल आंटी के पास। जी हाँ दोस्तों, अंकल आंटी जो कि कार में, ये देखिए कार में ही इन्होंने अपना रेस्टोरेंट बना दिया है, जो कार वाला ढाबा कह सकते हैं इसको आप। यहाँ पे बहुत ही अंकल आंटी प्यार से खिलाते हैं खाना, और इतना सिंपल खाना है, बिल्कुल घर वाला खाना है। कुछ कस्टमर से भी बात करेंगे हम, साथ साथ खुद भी टेस्ट करेंगे, आपको भी टेस्ट कराएंगे, बताएंगे कैसा है टेस्ट। चलिए चलते हैं अंकल आंटी से बात करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है इनके पास। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए थाली बनाते हैं, इसमें दो सब्जियाँ होती है, सैलेड और रोटी होती है, सूखी सब्जी एक होती है। देखिए आलू गोभी बिल्कुल घर वाली लग रही है दिखने में, तो यार टेस्ट कैसा होगा बाद देखते हैं। कि सैलेड डाल दिया है इन्होंने और इसमें डाल दिया कड़ी। कड़ी के साथ आपके पास दो तीन ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या ऑप्शन है। देखिए फिर मसाला वसा डाल दिया, चटनी डाल दी है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आज मेरी आवाज़ में डिफरेंट सी लग रही होगी, देखिए तबीयत ख़राब है मेरी यहाँ पे आज। तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आए वीडियो बनाने आपके लिए तो ज़रूर हम ट्राई करेंगे। अंदर से भी लोग दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए ये यहाँ पर लगा रहे हैं चावल, ये हाफ़ चावल देते हैं, ये है 40 रुपीज़ के, फुल जो है 70 रुपीज़ के। ये हाफ़ की क्वांटिटी देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी है, आप हाफ़ खा गए इसमें अच्छे से अपना पेट भर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन है आपके पास, कड़ी लीजिए, राजमा लीजिए या छोले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, तीनों का रेट सेम है। और टेस्ट तो हम करके बताएंगे कैसा टेस्ट है। ये देखिए यहाँ पर राजमा और जो कड़ी है चावल के साथ रेडी हो गई है, ऊपर राजमा चावल के ऊपर भी देखिए, कड़ी के ऊपर ये इन्होंने डाल दिया है प्याज। यार लुक वाइज तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम हाइजीनिक तरीके से रेडी किया हुआ इनका हर सामान है। यार इसी बात पे एक लाइक और शेयर तो बनता ही है यार, फटाफट से एक यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन मिलता है हमें। देखिए चटनी वटनी डाल दी है और ये कितने बढ़िया लग रहे हैं, कड़ी चावल और राजमा चावल। ये आंटी जी हमारे साथ हैं, जो अंकल आंटी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो आंटी से बात करते हैं। नमस्ते जी, नाम बताइए। मेरा नाम पूनम नारंग है। तो कितना टाइम हो गया? मैंने ये बिज़नेस अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट किया है, 3 ईयर्स हो गए हैं मुझे स्टार्ट किए हुए। मेरे हस्बैंड पहले जॉब करते थे और मैं टीचिंग लाइन में थी, और मेरे हस्बैंड को कुकिंग का बहुत शौक़ था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब जॉब नहीं करूँगा, मैं अपना ही बिज़नेस चलाऊँगा। तो हमने, मैं एग्री थी कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ, हम इकट्ठे ही स्टार्ट करते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बहुत आती हैं, आती रही, पर पीछे नहीं हटे हम। मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटे। हमने कस्टमर को अपना बनाया है और हमने नाम भी अपना घर ही रखा है, और अपने घर के ही नाम से हम किसी भी कस्टमर के आप रिव्यूज़ ले सकते हैं कि हम अपने ही तरह ही खाना खिलाते हैं। जैसे मैं घर पे खिलाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ, वैसे मैं यहाँ खाना अपने सबको खिलाती हूँ। मेरे वो कस्टमर नहीं, वो मेरे सब बच्चे हैं। छोटे अगर बड़े आते हैं तो वो माँ आपके बराबर हैं, छोटे आते हैं तो मेरे बच्चे हैं। ये आप सब खुद ही बनाते हैं? बिल्कुल, हम खुद बनाते हैं सब। तो कितना टाइम लगता है बनने में? सुबह से लगते हैं? हाँ, मॉर्निंग में 6 o'clock तो हम स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ हम 11 और 12 के बीच में आते हैं। अंकल जी बनाते हैं, आप बनाते हो? दोनों मिल के बनाते हैं, बिल्कुल हर काम दोनों मिल के करते हैं हम। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी आपने सुना, जैसे अभी आपने सुना कोरोना के टाइम पे अंकल जी की जॉब चली गई, तो अंकल और आंटी ने मिल के ये काम स्टार्ट किया, और आज इस टाइम पे आप देख सकते हैं कितनी इस टाइम पे यहाँ पे भीड़ है, कितनी भीड़ लगती है, कितने सारे लोग खाने को आते हैं। और रिव्यूज भी हम लेंगे, देखते हैं कैसा है, खुद भी टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए आलू गोभी है, और बिल्कुल देखिए देखने में भी घर वाली लग रही है, जैसे घर में मम्मी बनाती है बिल्कुल वैसे वही लग रही है देखने में भी, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि रेस्टोरेंट वाली है। ये छोले, ये देखिए छोले, क्या बात है। यहाँ पे है जी कड़ी पकौड़ा, कड़ी पकौड़ा देखिए, कड़ी में पकोड़े बहुत सारे हैं। देखिए कौन से पकोड़े हैं, ये आलू वाले प्याज वाले देखेंगे बाद में। राजमा है, देखिए राजमा भी एकदम गर्मा गर्म धुआं निकलते हुए टेस्टी टेस्टी राजमा लग रहे हैं यार ये। चलिए हमारे साथ कस्टमर से बात करते हैं, इससे पूछा टेस्ट कैसे है। नाम बताइए भैया। मेरा नाम है जी बंटी कोत्रा। तो कब से आ रहे हैं आप भैया? यार काफ़ी टाइम से आ रहे हैं जी इनके पास। कैसा लगता है खाना? बहुत अच्छा खाना है इनका, टेस्ट बढ़िया है। हाँ जी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल घर का खाना है, बिल्कुल घर का खाना, घर का खाना बिल्कुल। हाँ जी। और क्या क्या ट्राई किया आपने यहाँ पे? सब कुछ किया है, कड़ी भी, राजमा भी, सूखी सब्जी सब कुछ, जो भी लाते हैं सबको, रायता भी है इनके पास, सब कुछ है, सब लेते हैं, कभी कभी कुछ कभी कुछ लेते रहते हैं। मतलब कि टोटल सारा घर का खाना है, जब मर्जी आओ, सुबह दोपहर शाम जब मर्जी मिलता रहा, शाम तक मिलता रहा, शाम तक मिलता है।
तो चलिए देखिए, अभी आपने एक कस्टमर से हमने पूछा कि बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है इनके खाने का, चलिए हम भी ट्राई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, खाना जो है हमारा लग चुका है। ये हमारी थाली जो कि 70 रुपीज़ की है, दो सब्जियां हैं, इसके अंदर सैलड है, रोटी है। ये राजमा चावल हमने अलग से लिए जो कि 40 रुपीज़ के हाफ होते हैं। क्वालिटी देखिए यार, 40 रुपीज़ के हिसाब से कितनी बढ़िया क्वालिटी है। ऊपर अच्छे से राजमा डले हुए हैं, प्याज भी डला हुआ है। चलिए पहले यही ट्राई करते हैं, राजमा चावल बड़े पंजाबियों के फेवरेट। चलिए ट्राई करें, बहुत बढ़िया राजमा में बिल्कुल घर वाला टेस्ट आ रहा है, जो घर में राजमा बनती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लुक में अगर देखने वाला है, ये जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल घर वाला खाने वाला आ रहा है। चावल भी की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो भी बहुत अच्छी है। देखिए ऊपर सैलड में डाला हुआ है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट। चलिए ट्राई करते हैं रोटी। रोटी मतलब चार रोटियाँ, रोटी का साइज बहुत बढ़िया कि आप एक थाली खा के आपका पेट भर सकता है, बहुत बढ़िया से। रोटी बहुत सॉफ्ट है और जो आलू गोभी है बिल्कुल भी तीखी नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा, अच्छे से वेल कुक्ड है। कढ़ी भाई साहब गर्म है बहुत ज़्यादा, और साथ में पकौड़ा। तो देखिए रायता अंकल ने हमें दे दिया है साथ में, ठंडा ठंडा बिल्कुल, ठंडा ठंडा इस टाइम मेरे सेहत के लिए हानिकारक है। मेरी बात से पता लग रहा होगा आपको आज। तो कढ़ी की बात करते हैं, कढ़ी पहले तो आप कंसिस्टेंसी देखिए, कोई ऐसी बहुत पतली कढ़ी नहीं है, एकदम कढ़ी गाढ़ी गाढ़ी है। पकौड़े हैं इसके अंदर, ऊपर चटनी वटनी डली हुई है, और टेस्ट एकदम बढ़िया। हाँ दोस्त, हर चीज़ हमने ट्राई कर ली है, एकदम सच्ची में घर वाला ही टेस्ट है। और इतने बढ़िया से अंकल और आंटी का नेचर है, जितने प्यार से वो बनाते हैं उतने ही प्यार से सर्व भी करते हैं। उनका प्यार जो है कि खाने में दिखता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। दोस्तों घर पे बनाते हैं, कोई कुक नहीं है, एक एक चीज़ घर से तैयार करके लेके आते हैं। तो दोस्तों ज़रूर आइएगा, इस टाइम पर यूनिटी वन मेट्रो मॉल पुराने वाले के सामने हूँ बिल्कुल मैं। अंकल ये कार्ड है, अपना घर टिफ़िन भी आप यहाँ से पैक करवा सकते हैं, टिफ़िन की सर्विस भी इनके पास उपलब्ध है। तो चलिए आज का व्लॉग हम कहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो अपने या अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और पसंद आए आपको ये तो ज़रूर आगे ट्राई करना। अंकल आंटी सच में बहुत ही प्यार से खिलाते हैं, जब भी आएंगे मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करते जाना।